वेलकम टू द बान एंड मेहंदी व्लॉग गाइस। हेलो बुआ जी, काम के लगा दिया। हेलो हेलो मम्मी, नमस्ते। और कहाँ है भाई बच्चे? बच्चे कहाँ है? और ये 15। हेलो गाइस, ये मत सोचने, नमस्ते करें। नमस्ते बोला आपने? हेलो, सबसे सुंदर कौन लग रही है? Hey guys, what's up? कैसे हो सब? I hope आप सब सेफ होंगे, हमें बहुत सेफ है। Good morning to all of you। तो आज जो है शादी के functions start तो पहले ही हो गए थे, but आज है हल्दी और मेहंदी का function। तो अभी जो है उसी के कामों में हम लगे हुए हैं। यहाँ पे हम जो है, हेलो, दीदी दिख नहीं रहे अभी, स्लाइड नहीं है, यहाँ पे इधर आ जाओ। तो हेलो पापा, पापा इज बिजी, पापा बिजी आज। तो हम यहाँ पे जो है चादर वजह बिछा देते हैं नीचे, क्योंकि आज गैस वैस आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, हल्दी बाहर होगी बेटा, हल्दी मेहंदी यहीं पे बाहर होगी। ठीक है, चल जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ये यहाँ पे दीदी बिछा रहे चादर, और दीदी कैसे लग रहे हैं कमेंट करके बताना। वाओ, नाइस, रियली ये सूट मेरी चॉइस का तो अच्छा ही लगेगा ना। बहुत ज्यादा अच्छा है दीदी है? और मैंने अभी बालों का नहीं करा है, बाल अभी स्ट्रेट करके आऊंगी मैं, या करवा के आऊंगी पार्लर से, क्योंकि बालों से ही जो है लुक आएगी। और ये देखो, ये मैंने नए बैंगल्स में लेके आई थी, कैसे लग रहे कमेंट करके बताना ये भी। हेलो पापा। हेलो बेटा। पापा बिजी है आज थोड़ा सा। हाँ, तो आज है बान का फंक्शन, तो बान के फंक्शन के लिए मैं बना रही हूँ यहाँ पे सबके लिए जो है आलू मटर की सब्जी। फटाफट छोक देते हैं, क्योंकि आज हल्दी मेहंदी भी होनी है, सारी चीजें जो है वो कंटिन्यू होनी है। सबकी ड्रेसेस अलग अलग चेंज करूंगी मैं, बट अभी फटाफट सब्जी छोक देते हैं, दिखाऊंगी। तुमने हाथ में क्या पहना है? ये मैंने देखो, ये मैंने बहुत ही सुंदर से प्यारे से वो पहने हैं। हर बार ट्विनिंग होती है, मैं और ये सेम पहनते, और इस बार ये सिर्फ अपने लिए ले आई है। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, देखो इसको कितना क्यूट लग रहा है। तो दो मेरे को दे, बहुत सुंदर। चलो, बहुत सुंदर। बट ये उस दिन गए थे मेरे साथ, बट ये लाइन थे। और मेरा ये वाला लुक कैसा लग रहा है बान का लुक, कमेंट करके बताना। ये देखो मेरी पायल, मेरी चप्पल है, और मेरा सूट। शो मी द ठुमका, अभी बाल जो है मैंने स्ट्रेट करे, बाल स्ट्रेट करूंगी अभी। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे मैं छोक रही हूँ आलू की सब्जी, जो कि सबके लिए बनेगी, जितने भी गेस्ट आए हैं या हम भी खाएंगे, सारे जितने भी खाएंगे उसके लिए फटाफट आलू की सब्जी मैंने छोक दी है। क्योंकि मैं सब बोलते हैं कि मैं सब्जी अच्छी बनाती हूँ, तो सब्जी वाला जो डिपार्टमेंट है वो सारा मेरा था, तो मैंने सब्जी यहाँ पर छोक दी है। देन उसके बाद हल्दी की डेकोरेशन करने भैया आ गए थे, उसी दिन जिस दिन हल्दी का फंक्शन था, हल्दी मेहंदी का फंक्शन था, उसी दिन जो है डेकोरेशन वाले भैया आए थे। पता नहीं क्यों लेट करते हैं, शादी में वैसे थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। तो यहाँ पे इनको एक दिन पहले जो है डेकोरेशन करनी थी, बट इन्होंने करी है आज हल्दी की डेकोरेशन। देन उसके बाद भाभी सारे आ गए थे, मिलाती हूँ सबसे, सबकी बातें आपको सुनाती हूँ। हेलो, और भी कुछ बोलो। जय माता दी, जय माता दी। ठीक है, और मैं इनकी सबसे बड़ी बहन। यस, ये हमारी बुआ जी, ये मेरे बुआ जी, ये हमारी सबसे छोटी भाभी, ये वाली भाभी से बड़ी वाली, होने वाली से बड़ी, ये इनसे बड़ी, सबसे बड़ी, ये भाभी माँ, ये भाभी माँ, ये माँ, ये ताई माँ, वो स्वीटी, वो छोटी बहन हमारी है ना। हाँ, और फिर छोटी से बड़ी मैं, और बड़ी से वो बड़ी। ये इंट्रो ब्लॉग हो गया आज, और ये हमारी चाय, और यहाँ पे पावड़ी हो रही है। तो यहाँ पे जो है सारे दीदी और भाभी और वगैरह आ गए थे। ये सबसे बड़े वाले दिए मैंने पहले भी व्लॉग में बताया है, हमारे सबसे बड़े वाले दिए हैं सोमा दी, देन स्नेह दी, फिर देन प्रीति दी, देन मैं हूँ। और जो येलो सूट में है यहाँ पे जो बोल रहे हैं यहाँ पे, ये हैं भाभी सबसे बड़े वाले। देन उसके बाद हैं छोटे वाले भाभी जो लाइट येलो कलर में बैठे हुए हैं, बुआ जी यहाँ पे बैठे हुए हैं ग्रीन और येलो कलर के सूट में। बहुत ही अच्छा लगता है जब सारे जो है गेट टुगेदर होता है, सब लोग इकट्ठे होते हैं, बहुत ही मस्त मज़ा आता है। आगे वीडियोज़ में और
भी दिखाऊंगी। गए थे हम गांव में किसी रिचुअल के लिए गए थे, वो भी वीडियो मेरे पास है, वो भी आगे अपलोड करूंगी। बहुत ही मस्त मजा आता है जब सारे बैठ के मिलके बात करते हैं सारी फैमिली। और यहाँ पे सबने बच्चों ने मेहंदी लगवानी स्टार्ट कर दी थी, यहाँ पे हम भी मेहंदी लगवाएंगे क्योंकि मेहंदी और हल्दी का फंक्शन एक दिन ही था, तो यहाँ पे बच्चों ने मेहंदी लगवा ली थी और हम मेहंदी उसके बाद लगवाने जाएंगे। इसके अभी चढ़ेगा तेल। आर यू रेडी? इसे तो बहुत सुंदर आ रहा है। और मायरो की मेहंदी लग गई। वाव, चलो चलो आ जाओ, तेल चढ़ा, तेल चढ़ा दो, फिर हम भी मेहंदी लगवाएंगे ना। रपिया की उतरा पूरे नोट की गड्डी लगा देंगे। चलो आ जाओ, ये अच्छी आ रही है दीदी। वही जो अभी बात चल रही थी, जो ताई जी पूछ रहे थे। सचो क्या चल रहा है भाई? क्या करा रहे हैं ये सोमा दीदी? अच्छी आ रही है इसमें। देख ये छुड़वा लिया हमने, नुकसान पेस्ट है। अच्छा सुकी, तुम इधर आके करो, मेरे को दिख रहा है। अच्छा जी, पंडित जी कब तक हो जाएगा? बस हो गया मेरा काम, हो गया सारी बात है बस। अच्छा हेलो हेलो हेलो, इसको तो वही चुटकी चाहिए, चुटकी चुटकी। हेलो हेलो, क्या कर रहे हैं बच्चा? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? नहीं तो मेरे भी बंद है। नीतू होगी, प्रीति होगी, दो और कौन? एक इसकी बुआ थी, और एक इसका मान दे चार। मामू मामू चिको मामू नींद में सबसे पहला नीतू ले मेरे भी बांध।
तो यहाँ पे सबके जो है बान का धागा लेके आते हैं, जो बान का धागा होता है वो बांध रही हूँ मैं यहाँ पे। बुआ जी भाभी सारे वगैरह सबको बांध दिया, क्योंकि वो तेल जो चढ़ाते हैं उनको 7 या 9 जितनी भी होती हैं लेडीज़ उनको जो है धागा बांधते हैं। देन उसके बाद जो है रिचुअल होती है, किस किस के यहाँ पे होती है कमेंट करके बताना। यहाँ पे सारी भाभी या बुआ जी जो है आरती करेंगे। सबसे बड़े हैं बुआ जी, जो बड़े वाले बुआ जी आए नहीं थे, तो बुआ जी ने ही सारे जितने भी रिचुअल थे सारे जो है शीला बुआ जी ने ही करे थे। ये सारे रिचुअल जो है वो बुआ जी को पता है, बुआ जी ही करते सारे रिचुअल, बुआ जी ने ही करे थे। तो यहाँ पे सबके धागा बांध देंगे। देन उसके बाद जो है तेल चढ़ाने वाली रस्म होगी सचिन की। देन हल्दी की रस्म अलग होगी, तेल चढ़ाने वाली जो होती है वो अलग से होती है। और एक दिन फंक्शन करने का रीज़न ये था, जो मेरे बुआ जी हैं शीला बुआ जी, उनके जो फादर इन लॉ थे उनकी जो है डेथ उसी टाइम हुई थी। फंक्शंस पहले करने थे हमने, बट फिर सोचा कि एक दिन ही कर देते हैं सारे फंक्शन। तो यहाँ पे जो है पहले भाभी, दोनों भाभी थे, उन्होंने जो है तेल चढ़ाया था। मतलब इसमें तेल चढ़ाते हैं पहले जो होती हैं ये शुभ होती हैं, तो ये 7 बार करती है भाभी। और देन उसके बाद जितनी भी मैरिड थी वो सारी करेंगी, उसके बाद तेल चढ़ाएंगे। तो इन्जॉय करना ये वाला व्लॉग भी। देन उसके बाद मैंने भी करा था ये वाली रस्म, मुझे नहीं आती थी, मैंने फर्स्ट टाइम करा था, मैंने अभी किसी का नहीं करा था, तो भाई की शादी में फर्स्ट टाइम ये मैंने करा था। तो यहाँ पे सारे करेंगे, प्रीति दीदी और सारे सोमा दीदी सब करेंगे यहाँ पे ये वाली जो रिचुअल है। देन उसके बाद तेल चढ़ाएंगे, उसके बाद होएगा हल्दी की रिचुअल, हल्दी फंक्शन बाद में होएगा। तो यहाँ पे हम चढ़ा देंगे, 7 बार करते हैं। यहाँ पे मैं काउंट भूल गई थी कि 7 बार हुआ या नहीं हुआ, तो मैं पूछ रही थी इनका 7 बार हो गया क्या, क्योंकि सचिन बैठ के गिन रहा था कि कहीं एक एक्स्ट्रा ना हो जाए। तो यहाँ पे हाथ में हाथ डालो, मम्मी गीत गा दो, एक और गा दो। तो लास्ट में जो है जैसे दो दो का पेयर डालते हैं, लास्ट में जो 7 या 9 करनी होती है, लास्ट में जो आरती करती है वो लास्ट में कर डालती है सारी जो। और देन उसके बाद ये जो भाई की झोली में जो डाली है वो उसके बाद मम्मी की झोली में दे देता है भाई। इससे जो है घर में जो है बरकत आती है। आई डोंट नो बोलते हैं ऐसा कुछ कि ऐसा रिचुअल होती है कि उससे जो है घर में जो है अन्न धन और सुख की जो है वो कमी नहीं होती। तो ये भाई मम्मी की झोली में डाल देंगे। देन उसके बाद भाई के तेल चढ़ेगा अभी। ये वाली रस्म किस किस के यहाँ पे होती है कमेंट करके बताना। इसमें जो है जो चटनी वाले जो सोटे होते हैं उनको लेते हैं, और इनको जो है टच नहीं करना होता एक दूसरे को, नहीं तो ऐसा बोलते हैं अगर टच हो जाता है तो हस्बैंड वाइफ की लड़ाइयाँ होती हैं। तो इसमें जो है अलग अलग से दोनों साइड जो धागा बंधा हुआ है उसके इधर उधर जो है 7 बार हमें करना होता है, टच नहीं करना। किस किस के यहाँ पे होता है ये वाला रस्म कमेंट करके बताना। ये वाला रस्म जब हो जाएगा देन उसके बाद हमारा हो गया था मेहंदी का फंक्शन। मेहंदी पे मैंने ये ड्रेस चेंज कर ली है, प्रॉपर वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि वीडियो शूट करने वाला कोई था नहीं यहाँ पे, जो है जेंट्स नहीं थे, तो गोलू के पापा भी नहीं थे, और गोलू वीडियो बना नहीं रही थी मेरी। तो जितनी छोटी मोटी वीडियो मैंने शूट करी है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे 7 के 7 हमारी मेहंदी स्टार्ट हो गई थी। मैंने वैसे जो है हल्दी के लिए अलग, मेहंदी के लिए अलग, सारे जो फंक्शन है उसके लिए अलग अलग ड्रेसेस ली थी। आगे आपको दिख भी जाएगी कि जो है हल्दी फंक्शन के लिए हमने कौन सी ड्रेस ली है। ये हमारी मेहंदी फंक्शन के लिए थी हमारी ग्रीन कलर की ड्रेस। देन उसके बाद हमारा हल्दी का फंक्शन जो है वो स्टार्ट हो गया था, जो कि मैं शेयर करूँगी नेक्स्ट वाली वीडियो में। बहुत मस्त मज़ा आया था, मस्त हमने हल्दी का फंक्शन करा था। आपने देख लिया सबने येलो पहना था, तो उसके लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत ही जल्दी अपलोड करूँगी। लाइक करना वीडियो अगर पसंद आए तो, कमेंट शेयर करके ज़रूर जाया करो अगर वीडियो पसंद आती है तो। चलिए बाय बाय, टेक केयर। और हल्दी का फंक्शन 7 के 7 ही अपलोड कर दूँगी अगर इस वाली ब्लॉग पे जो है 200 से 250 व्यूज़ आ गए तो, 7 के 7 करूँगी, नहीं तो देन उसके बाद जो है 2 दिन के बाद ही वीडियो अपलोड करूँगी। और हमने क्या क्या पहना था, सेम ड्रेस पहनी थी, अलग अलग पहनी थी, आपको वीडियो में पता चलेगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।